हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आइए करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो आज का ब्लॉग मैं अपनी गैलरी से शुरू कर रही हूँ, आगे की गैलरी से। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। मैं दिखाती हूँ आपको अपनी गैलरी, उसके बाद पीते हैं चाय, उसके बाद घर का काम। आज मैं फ्रेश हो गई हूँ, पहले मैं उनका फ्रेश पहले हो जाती हूँ, फिर बाद में काम तो होता रहेगा, सारा दिन काम तो खत्म ही नहीं होता, आपको पता ही है। तो करते हैं न्यू ब्लॉग की शुरुआत। ये देखिए मेरी छोटी सी गैलरी। ये देखिए चंपा के पत्ते आ रहे हैं, देखो कितने सारे आ गए। और ये हमारा आयुष्मान भव। और यहाँ पे ये देखो सुख शांति का पौधा भी मेरा कितना अच्छा हो गया। ये हमारे बाहर का व्यू, धूप निकली हुई है, धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है, तो ये हमारे बाहर का व्यू है। ये बन रही है हमारी चाय, मैंने चाय रख दी है। और ये मैंने सब्जी निकाली है, ये टिक्की कद्दू की सब्जी है जो मैंने रात को बनाई थी। इसकी मैंने ना शॉर्ट वीडियो भी बनाई है, मैंने सब्जी कैसे बनाई है तो आप देखना। तो ये सब्जी मैंने रात को बनाई थी, तो रात को फिर ये सब्जी इतनी बच गई है। तो सवेरे मोहनलाल जी ने नाश्ता तो किया है, लेकिन वो इसके बगैर कर गए, कह रहे सब्जी ये नहीं तो खा लियो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं बना रही हूँ, परौंठी बना देती हूँ और चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, उनके लिए भी खाना डाल के देती हूँ। चलो 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 चलो। पुच्छू की आवाज सुन के पुत्ती भी भागती हुई आई है कि मैं भी जाऊँ प्यार करने के लिए पापा को। ये प्यार कर रहे हैं ना। चलो अंडे खाने को आ जाओ, चल अंडे खाता, अब नहीं खाने अंडे। चलो दोनों को समझा दिया, चलो भागो इधर से। ये सुबह चले गए हैं नाश्ता करके, तो बस मैं अपने लिए अब चाय बना रही हूँ। और जो रात की सब्जी हमने टिक्की कद्दू बनाई थी उसके साथ मैं दो परौंठी बना लूंगी, वही मेरा लंच भी हो जाएगा, बनाएंगे। और डॉग का खाना नीचे जा चुका है, अपने डॉग को भी मैंने खाना दे दिया, क्योंकि सुबह सुबह ये उठते हैं, आजकल इनको भूख लगने लग गई है, तो इनको भी खाना डाल दिया। अब मैं पीती हूँ चाय, उसके बाद फिर अपनी बनाऊंगी दो परौंठी। और टिक्की कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो बनी भी बहुत अच्छी है और खाने में भी बहुत अच्छी है। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली, आप देख सकते हो कि सब्जी की वीडियो, मैंने सब्जी कैसे बनाई है। तो मैं कोशिश करूंगी, मुझे कमेंट्स आए थे, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ब्लॉग में भी सब्जी जो भी बनाऊंगी आपको पूरी वीडियो मतलब डालूंगी, पूरी दिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, कल आपके कमेंट्स आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझसे इतना प्यार करते हैं सब। और मैं ब्लॉग बंद करने के लिए सोच रही थी, लेकिन अब मैं ब्लॉग हमेशा डालूंगी और डेली डालूंगी। थैंक यू सो मच। ये देखिए मेरी टिक्की कद्दू की सब्जी, दिखने में आपको लग रही है ना बहुत टेस्टी बनी है। साथ में मैंने रोटी बनाई, मैंने परौंठी नहीं बनाई, मैं कहा रोटी बना लेती हूँ क्योंकि परौंठी बस वैसे ही नहीं बनाई, मैं कहा तली हुई चीज़ कम खाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, तो मैं कहा रोटी बनाती हूँ, मेरे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो जाएंगे, तो अपने लिए मैंने बस रोटी बनाई। और ये और यहाँ हमारी बन गई है चाय, तो साथ में चाय भी पी लूँगी और खाना भी हो जाएगा मेरा। ऊपर बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी, तो मैंने कहा मैं चलो नीचे घूम के आती हूँ, घूम के भी आती हूँ, थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सामान चाहिए था, वो मैं ऑनलाइन मंगा सकती थी, लेकिन नीचे मौसम अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं घूमते फिरते सामान भी ले आती हूँ और नीचे घूम भी आती, दोनों काम हो जाएंगे। तो बस मैं अभी अभी उतरी हूँ, मैं कहा थोड़ा सामान लेके आऊँ, तो मैं जा रही हूँ दुकान पे। दुकान घर के पास थोड़ा सा रास्ता है चलने का, तो अच्छा भी लगता है, थोड़ा वॉक भी हो जाएगी, तो आइए चलते हैं। ये देखिए बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मेरा नीचे घूमने का भी मन कर रहा था, मैं कहा चलो मैं थोड़ा घूम भी आती हूँ। ये देखो मैं जा रही हूँ दुकान पर सामान लेने के लिए, मैं जा रही थी। ये घर मुझे बहुत सुंदर लगी, बिल्डिंग ये देखिए कितनी सुंदर बिल्डिंग लग रही है, ये देखिए बहुत सुंदर है। यहाँ पे शाम को बच्चे भी खेलने के लिए निकल लेते हैं, आ जाते हैं गली में खेलने के लिए, क्योंकि खुली जगह है, यहाँ बच्चे आराम से खेल लेते हैं। तो ये घर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए एकदम शांति है यहाँ पर। एक ये मुझे घर, किसी के घर के बाहर मैं जा रही थी, तो मुझे किसी के घर के बाहर छोटी सी क्यारी बनी हुई अच्छी लगी, जिसमें फूल लगे हुए इतने सुंदर सुंदर, तो उससे रहा निकल, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेती हूँ, बहुत सुंदर लग रही है, घर के बाहर ही है। ये देखो ये घर भी कितना सुंदर बन रहा है, ये वाला देखो बिल्डिंग बहुत सुंदर लग रही है, इसकी साथ वाली भी अच्छी लग रही है। यहाँ इतने ऐसे ही सुंदर सुंदर बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े घर हैं,
300 गज से तो कम है, कोई है नहीं। यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक ये भी बिल्डिंग, ये भी देखो कितनी सुंदर बनी हुई है, और बड़े बड़े गेट हैं खुले खुले। यहाँ पे ये थार खड़ी थी रेड कलर की, मुझे बहुत सुंदर लगी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं। थार तो वैसे भी अच्छी लगती है, और यहाँ पे वैसे भी सबके पास महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे हमें एक से एक महंगी गाड़ी देखने को मिलती है। मैं मार्केट के लिए नीचे उतरी हूँ, मौसम अच्छा लग रहा था, और मैं अभी बस दुकान के पास पहुँचने वाली हूँ, तो बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कोई बात नहीं, गीले हो जाएंगे तो घर जाके कपड़े चेंज कर लूँगी, बस फ़ोन को बचाना क्योंकि फ़ोन गीला नहीं होना चाहिए। बस मैं दुकान पर पहुँचने वाली हूँ अभी। चलते चलते देखो मैं बिल्कुल मेन रोड के पास पहुँच गई हूँ, क्योंकि दुकान यहीं है, मेन रोड के पास ही है। लेकिन अच्छा लगता है, मौसम ठीक है तो पता भी नहीं चला मैं पैदल निकल के आ गई। तो अब चलते हैं दुकान पे। ये देखिए उसके साथ सब्जी की भी दुकान है और परचून की भी दुकान है। ये सब्जी की दुकान है भैया की, कभी हमें सब्जी चाहिए होती तो हम यहीं से आके ले लेते हैं, जब रेडी वाला नहीं आता या ऑनलाइन नहीं मंगाते। तो मैं परचून की दुकान पर आई थी, तो मैं उनका सब्जी भी ले लेती हूँ। तो भैया के यहाँ सब्जी वगैरह साफ मिलती है। ये है हमारी परचून की दुकान जो मेन रोड के पास है, जहाँ से मैं सामान वगैरह लेती हूँ। तो थोड़ा दूर है लेकिन आना पड़ता है सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिल जाता है, दूध ब्रेड वगैरह सब कुछ, सब कुछ है इनके पास, परचून का सारा सामान मिल जाता है भैया से। इनकी दुकान पे सब कुछ मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, परचून का सामान वगैरह सब कुछ मिलता है। सामान मैंने ले लिया है, मैंने टमाटर, प्याज, गोभी की सब्जी और अंडे, ब्रेड, बिस्किट और दूध लिया है, क्योंकि ये सब चाहिए था मुझे। मेन मुझे बच्चों के लिए अंडे चाहिए थे, मैं ट्रे लेने गई थी तो वहाँ जाके मुझे याद है कि दो दिन बाद तो नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, फिर अंडे की ट्रे नहीं ली, मैंने खुले अंडे ले लिए 10 बच्चों के लिए। तो बस अब मैं वापस घर जा रही हूँ। कहते हैं ना कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, ये बस सच है। ये बात मैं हमेशा से मानती हूँ कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, अगर बुरा किसी का सोचोगे, बुरा करोगे तो बुरा ही पाओगे। मैं अभी सामान लेके आई थी, मैंने आपको दिखाया ना सामान की दो थैली मेरे पास थी, एक में सब्जी का था, एक में वो मैंने बच्चों के लिए अंडे वगैरह लिए और वो लिए ब्रेड वगैरह दूध वगैरह। तो मेरे से ना उठाया नहीं जा रहा था, मैं चल तो पड़ी, मैं लेके भी आ गई लेकिन मेरे से उठाया नहीं जा रहा था, हैवी था। जैसे जैसे करके मैं ला रही थी तो रास्ते में हमारे जिस पड़ोस में रहते हैं ना गणेश की मम्मी, वो मिल गए मुझे, मैंने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने मेरे हाथ से थैलियां दोनों ले ली। कह रही लाओ आंटी जी मैं भी घर जा रही हूँ, चलो मैं पकड़ लेती हूँ। मैंने उनको बड़ा मना किया, मैं कह नहीं कोई बात नहीं। कह रही नहीं फिर क्या होगा, इतना नहीं कर सकते हम आपके लिए। और वो घर तक मुझे छोड़ के गई। देखो कितना, मतलब मैंने सोचा थोड़ी था कि वो वैसे मुझे रस्ते मिल जाएगी। मैं तो उल्टा थैलियां ना मतलब हाथ में लेके रखते रखते आ रही थी, दो बार मैंने रखे कहीं, फिर मैंने उठाई, मुझसे उठाई नहीं जा रही थी, तो वो मिल गई मुझे और घर तक छोड़ के गई है ऊपर। ऐसे लोग भी हैं। देखो ये देखो अंडों को देखे ना, इतनी खुश हो रही है मेरी पुच्छू। मैं इसमें से अंडे निकाले ना, ये पुच्छू देखो मेरे पीछे खड़ी है, अंडों को देखिए इतनी खुश हो रही है। तो मैं इसके लिए अंडे उबाल देती हूँ पहले पुच्छी और पुच्छू के लिए, और जो बाकी अंडे हैं इसमें 4 या 5 अंडों का मैं अंडा करी सब्जी बनाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी अंडा करी सब्जी बनाऊंगी आज। और ये रे टमाटर, ये रे हमारा दूध ब्रेड, ये बिस्किट पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी लाई हूँ, ये भी मैं इनके लिए लाई हूँ, पुच्छा पुती के लिए, ये शौक से खाते हैं। मैं रोज नहीं देती, कभी कभार देती हूँ, तो एक पैकेट मैं ले आई पार्ले जी का। ये देखो मेरी लाडो कैसे बैठी है, और ये घेरी अंडे का नाम सुन के देखो कैसे आ गई, पता अंडा खाएगा, ये देख अंडा लाएगी ना बच्चे के लिए, आ जा कुत्ती मस्त है, उसको पता है अंडा उबलेगा तो मेरे को मिल ही जाएगा। पर ये मेरे साथ यहीं रसोई में रहेगी जब तक मैं हूँ यहीं पे रसोई में। ये देखिए मैंने अंडे उबलने के लिए रख दिए हैं, मैंने 8 अंडे रखे हैं इसमें, तो 4 की मैं सब्जी बना लूंगी और 4 मैं पुच्छू को दे दूंगी, पुता पुच्छी को अंडा करी बनाऊंगी 4 अंडों की और 4 अंडे बच्चों को दे दूंगी। ये फ्राई पैन मैंने सिर्फ अंडों के लिए रखा हुआ है, इसमें मैं अंडे ही उबालती क्योंकि दूसरे फिर अलग अलग फ्राई पैन में ये बर्तन में करो तो अंडे की स्मेल आती है, तो ये फ्राई पैन मैंने सिर्फ अंडे के लिए रखा हुआ है, इसमें सिर्फ अंडे ही उबालते हैं। नानू भी जब आता है तो इसी में अंडे, उसको बड़ा शौक है अंडे वगैरह का, जिम वगैरह करता है ना तो वो भी अंडे इसी में उबालता है। तो जब तक अंडे उबलते हैं मैं सोच रही हूँ मैं भी अपने लिए चाय बना लूँ, चाय शाम हो गई है, चाय पीने का मन कर रहा है। यहाँ पे हमारे अंडे उबलने शुरू हो गए, अभी बिल्कुल ऊपर तक झाग आ गई थी मैंने इसलिए थोड़ा सिम कर दिए, और यहाँ हमारी बन रही है चाय शाम। आज मैंने सारी बोतलें धुलवाई थी, बोतलें ना मतलब गंदी हो जाती हैं, जैसे खाना वाना खाने बैठो ना तो सब्जी के हाथ लग जाएं या कुछ भी है, तो मैं जैसे
दो तीन दिन रुक के देखती हूँ, अगर बोतलें साफ नहीं है तो मैं धुलवा लेती हूँ। आज मैंने बोतलें सारी धुलवाई हैं तो मैं तो पानी भर दूँ। आज बना रही मैं अंडा करी, तो हमने ये 5 अंडे लिए हैं। अंडों को मैंने पहले उबाल लिया है, उबाल के फिर मैंने यहाँ पे मिसाले की तैयारी की है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और यहाँ पे हमने प्याज और अदरक पीस लिया है। इसमें मैंने प्याज और अदरक डाले हैं और ये घी हमने गरम करने के लिए रख दिया है। तो इसी में डालेंगे 2 लाल मिर्चें, ये ऐसे 2 लाल मिर्च डाल ली। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी प्याज और जो अदरक का हमने पेस्ट तैयार किया है वो इसके अंदर डालूंगी भूनने। पहले इनको भून लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का दिखाती हूँ। जो प्याज और अदरक का हमने मिसाला मतलब बनाया था, पीस के रखा था मिक्सी में, तो वो हमने ये इसको घी में डाल दिया था और ये फ्राई कर लिया है। ये हल्का ब्राउन हो गया है हमारा मिसाला, तो इसमें अब डालेंगे जो मैंने यहाँ टमाटर और इसमें मैंने 4 हरी मिर्ची डाली है। आप मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हो, मतलब अगर आप मिर्च ज्यादा नहीं खाते तो 2 डाल लो। तो मैंने हमारे घर में तो चटपटा खाते हैं, तो मैंने 4 डाली हैं और 3 छोटे टमाटर। इसमें 2 प्याज डाले मैंने और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसमें 3 टमाटर छोटे और 4 हरी मिर्ची डाली हैं। और एक चीज और बताऊं, जो ये मैंने अंडे उबाल के रखे हैं इसमें मैंने कट लगाया है। ये देखिए मैंने चक्कू से इसमें कट लगाया ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाएगा। और दूसरा ये मैंने आधे आधे इसलिए नहीं किए क्योंकि इसकी टिक्की जो होगी ना अगर मैं सब्जी में डालूंगी तो घुल जाती है। तो ये जब हम सब्जी रोटी खाने बैठेंगे एक एक अंडा अगर कटोरी में डालते हैं तो उसको हम चम्मच से भी काट सकते हैं उस टाइम, तो उसमें उस टाइम हमें पूरी टिक्की वगैरह जो भी है हमें पूरा मिलेगा। तो मैंने इसलिए इसमें कट लगाए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर और जो हरी मिर्च का पेस्ट मैंने ये तैयार करके रखा है, तो पहले ये डालते हैं फिर मैं आगे दिखा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देखिए हल्दी और ये लाल मिर्च और ये नमक, थोड़ा सा नमक मैं और ले लूँ। और इसमें डालूंगी ये सूखा धनिया और इनको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसमें जो मसाले डाले थे उनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें ढक्कन लगा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मसाले को पकने देते हैं। तो जब ये पक जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे अंडे। मसाला हमारा पक गया था, ये देखो साइडों से घी मसाले ने छोड़ दिया है। तो इसमें डाले मैंने फिर ये अंडे, मैंने बताया था ना कि अंडों को मैंने कट लगाया हल्का सा। तो अब इसको मिक्स करते हैं मसाले के बीच में अच्छी तरह से मिक्स करके, इसको थोड़ी देर ढक्कन लगा के पकने देंगे, इसको थोड़ी देर ढक के पकने देंगे। इनके ऊपर ऐसे ये मसाला भी लगा सकते हो आप, इसको ढक्कन लगाती हूँ पकने देते हैं। मैंने कढ़ाई को ढक्कन लगा दिया, अंडे डाल दिए और मिक्स कर दिए अच्छी तरह से, और कढ़ाई को मैंने ढक्कन लगा के धीमी आंच पे सिम आंच पे थोड़ी देर पकने देते हैं। फिर इसमें डालेंगे पानी, पानी और हरा धनिया। बस आज का दिन हमारे घर में अंडे बन रहे हैं, इसके बाद अब नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नवरात्रों में अंडे तो दूर की बात है, प्याज भी यूज नहीं करते हम लोग, लहसुन प्याज वगैरह हमारे में यूज नहीं होता। तो बस आज का दिन मैं अंडे, इसलिए मैंने ट्रे नहीं ली, मैंने खुले अंडे ले लिए थे क्योंकि ट्रे फिर संभालनी आगे, फिर जब घर में प्याज नहीं रख सकते तो अंडे कैसे रखूंगी। तो बस जुलाई के अंडे यूज हो गए, सब्जी बन गई, डॉग को दे दिया मैंने कुछ। तो बस आज जो सब्जी खा लेते हैं खा लेते हैं, फिर उसके बाद नवरात्रों के बाद अंडे हमारे फ्राई हो गए थे, हल्का हल्का नीचे कढ़ाई को लगना भी शुरू हो गए थे। तो फिर मैंने पानी डाला, इसके बाद पानी डाल के, पानी भी मैंने अपने हिसाब से डाला, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मुझे पतली तरी अच्छी लगती है, तो अगर आपको गाढ़ी तरी अच्छी लगती है तो उस हिसाब से पानी डालना। तो बस अब इसमें पानी डाल दिया और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से, और ढक्कन लगा के इनको पकने दूंगी। जो पानी डाला है तरी पक, उसको भी पकाना जरूरी है ना, तभी तो टेस्ट आएगा। तो अब इसको बस मैं धीमी आँच पर ही छोड़ूंगी, तेज आँच पर नहीं, बस मैं इसमें धनिया डाल के धीमी आँच पर पकने दूंगी। ये देखिए मैंने धनिया डाल दिया है, अब इसको कढ़ाई को ढक के धीमी आंच पे पकने देते हैं। जितना ये पकेगा तरी उतनी अच्छी बनेगी, तो ज़्यादा नहीं 10 मिनट तक इसको पकने देते हैं धीमी आंच पे। ये देखिए हमारी अंडे की जो सब्जी है, अंडा करी बन के तैयार है, क्योंकि इतनी तरी तो चाहिए अंडा मतलब रोटी खाते के टाइम। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है ग्रेवी। तो अब बस मैं गैस को बंद करने लगी हूँ, बाकी जो थोड़ी बहुत पकनी होगी वो जब हम ढक्कन लगाते हैं तो दम चावलों में दम आता है, ऐसे इसको भी ढक्कन रखेंगे थोड़ी देर, ये ऐसे भी और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब मैं बंद करने लगी, हमारी अंडा करी बन के तैयार है। ये देखिए 2 लिपस्टिक है, और यही जो कलर आपको दिख रहे हैं ना
ये कलर है इसमें, दोनों कलर बहुत सुंदर है। एक कॉफी कलर में है, एक मजेंटा होता है ना पिंक शेड में, एक वो है। शादी के बाद हिना के पार्सल उसके ससुराल में जाते हैं, तो हिना कुछ भी मंगाती है तो ऑर्डर करती है, तो उसमें प्रियंका जाम आता है। तो जो लड़का हमारे घर में देने आता था ना, जो अब हम कुछ मंगाते थे, पार्सल आते थे या कुछ मंगाते थे, तो वो हिना को जानने लग गया था। ओटीपी भी मुझसे नहीं मांगता था वो, हिना कोई कहता कोई बात मैं बाद में ले लूंगा। तो एक दिन हिना ने अपना पार्सल जो आया ना, उसने उस एड्रेस पे मंगाया, तो जब वो लेने गए ना, जब वो लड़का देने गया, तो हिना को देख के हैरान हो गया। तो कहता कि प्रियंका जाम जो उस वहां रहते थे, तो मतलब बड़ा हैरान हो गया कि आप यहाँ कैसे पहुंच गए। तो हिना हंसने लग गई, हिना कह लगे मेरी मैरिज हुई है यहाँ पे, तो अब ये मेरा एड्रेस है। तो कह रहा है अच्छा, मतलब वो प्रियंका जाम के नाम से इतना, मतलब उसको नॉलेज इतना हो गया था, तो हमसे कभी नहीं पूछता था कभी, हिना नहीं भी ओटीपी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो हमसे नहीं लेता था, चला जाता था, कहता था कोई बात नहीं मैं बाद में ले लूंगा दीदी से। तो उस दिन हैरान हो गया जब हिना ने उस एड्रेस पे सामान आया जो उसका पार्सल वगैरह, तो वो एकदम हैरान हो गया सुन के कि प्रियंका जाम ये वही प्रियंका जाम है जो वहां रहते हैं उस एड्रेस पे। तो हिना कह लगी मम्मी देख पार्सल वाले भी मेरे को पहचानने लग गए। सब्जी बन गई है, बस अब रोटी बनाते हैं, मोहनलाल जी का वेट हो रहा है, मोहनलाल जी आ जाए तो फिर मैं रोटी बनाऊंगी। तो वो तो कहते हैं बना के रख दिया कर, लेकिन मैंने कहा नहीं गर्म अच्छी लगती है तो मैं उसी टाइम बना लेती हूँ। कितनी देर लगती है बनाने में, कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है रोटी बनाने में, आटा गुना हुआ है, तो जैसे आएंगे फिर उस टाइम हम रोटी खाएंगे इकट्ठे। दीदी जो मेरी नंद है वो शिरडी गए थे, तो वहाँ से प्रसाद लाए थे, तो उन्होंने प्रसाद भेजा था मेरे लिए, हमारे लिए मतलब सबके लिए, और ये भी भेजा था, ये देखिए ये हम गाड़ी में लगा सकते हैं या घर में भी लगा सकते हैं, तो ये भेजा था, ये देखिए कितना सुंदर है, ये गणेश जी बने हुए हैं। ये आया तो कई दिन से था, मैं आपको दिखाना भूल गई, अभी मेरे को ध्यान आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये प्रसाद है, ये बहुत सुंदर है, ये देखो सरप्राइज, ये मेरा सरप्राइज देखो। इसने मुझे कहा था कि मैं आ जाऊंगी, मैंने इसको कहा था दिन में आ जाइयो थोड़ी देर एक दो घंटे के लिए, ये देखो अभी आई है घूमते फिरते, और कुछ भी दिल्ली गई थी ना तो बस घर जा रही थी, मैं तो मिलती जाऊं बहुत दिन हो गए, मैं तो इंतजार करके थक गई थी, मेरे को उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को भी नहीं बताया कि हिना आ रही है। सच्चाई है, मैं पता नहीं आती है कि नहीं आती, तो मैंने नहीं बताया था। अच्छा क्या ना, मैं तो वेट कर रही थी, इसको देखो। मैंने इसलिए फोन भी नहीं किया, मैं मेरे को लगता है लेट हो गई है, घर चली गई है शायद। अच्छा क्या ना आ गई है तो। हेलो गाइस, कैसे हो? ये देखो मेरी हिना से मिलो, मेरी हिना आई है, मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि हिना आई है मुझसे मिलने के लिए। ये दिल्ली गई हुई थी, इसने कहा था मैं मिलने आऊंगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो उम्मीद छोड़ बैठी थी, अब टाइम ज्यादा हो गया था। हाँ। तो ये अचानक मुझे नीचे मिल गई, मैं डॉग को खाना देने गई तो नीचे मिल गई, मुझे इतनी खुशी हुई देख के हिना को, मैंने कॉल भी नहीं किया था। हाँ, कॉल भी नहीं किया, और गुस्से के मारे मैंने भी नहीं किया सच्चाई में बताऊं, क्योंकि मुझे नहीं था ये था कि शायद लेट हो जाए ना भी आए, तो मैंने कहा मैं तंग नहीं करती कोई बात नहीं, चलो मिलते चलते 10 मिनट और मुझसे, मैं तो उदास हूँ इसके लिए, देखो मेरी पुच्चू इससे ज्यादा उदास है, गोदी में चढ़ के प्यार कर रही है उसको। तू मेरे से ज्यादा उदास है मेरी लड़की से, हाँ? वो देखो कैसे मिल गया, देख कैसे मिल गया, ये सच्ची मिली है, बहुत उदास है, देखो ये तो मेरी जान है, लाडू देख रहा हूँ, देखो ना इस कुत्ते को, ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे कह रही है मुझे भी प्यार करो, ये तो हमारे घर से बीच में वो है, सब ठीक है, ये देखो ऊपर चढ़ने को खुल रही है मम्मी, ये देख चढ़ गई, ये देखो पुच्चू का हाल, मेरे से ज्यादा तो ये उदास हो पड़ी है हिना के लिए, देखो हिना के मिलने के लिए कैसे चढ़ गई हो कुत्ती को, दी मम्मी से ज्यादा प्यार कर रही है पुच्चू, आज हम दोनों ने ऑरेंज पहना है, हाँ मैंने कहा चलो सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, तू मिल कोई बात नहीं, तू मिल मेरी बेटी से, मैं बाद में मिलूंगी, बस पूछा, ये देखो हमारी अंडा करी कितनी अच्छी बनी है, दिखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, खाने में और स्वाद है, और साथ में रोटी, ये अंडे को मैंने जो साबुत अंडा था ना, तो मैंने अभी कढ़ाई में ही दो पार्ट कर लिए थे, मैंने जहाँ से कट किया था ना वहीं से चक्कू से दो पार्ट कर लिए, और इसमें टिक्की भी रह गई पूरा, मतलब अंडा सही रहा, भूला नहीं है। खाना हमारा हो चुका है,
बस डिनर अभी किया है, तो बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। कल मिलती न्यू ब्लॉग के साथ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड नाइट।